ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप पिछले 1.5 वर्ष से दुआओं के इस महायज्ञ में अपना भारी योगदान दे रहे हैं और हमेशा ही ये सुनते आए हैं हम कि हमेशा करती मदद दुआएं चाहे जिंदगी की शाम आए। क्योंकि बाप दादा भी सदैव कहते हैं कि जो चीज आप औरों को देते हैं पद्म गुना होकर आपको मिलती है। तो पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ड्रामा बड़ा वंडरफुल और एक्यूरेट है, क्योंकि पिछले लंबे समय से कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां इस प्रकार आई। अव्यक्त मुरली को अध्ययन करने का और उस पर गहरा चिंतन करने का संस्कार जो बना था उसने बहुत साथ निभाया। मैं 30/11/1992 के अव्यक्त महावाक्य का उल्लेख करना चाहूंगी कि उसमें बाप दादा ने बहुत अच्छे महावाक्य उच्चारण किए कि बच्चों और कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, भाषण करना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी एक काम करो, सबको दुआएं दो, दुआएं लो। सर्वशक्तियां धारण नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सर्व गुणों को धारण नहीं कर सकते कोई बात नहीं। तो लगा प्यारा बाप दादा कितना सरल करता जा रहा है, तो हमें बहुत आनंद आने लगा और गहराई से चिंतन किया। बाप दादा ने फिर बोला कि कोई बात नहीं, ज्ञान समझ में नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही पुरुषार्थ करो, दुआएं दो, दुआएं लो। तो लगा ज्ञान सागर बाबा, करण करावनहार बाबा पिछले लंबे समय से हमें भाषण करना सिखा रहे हैं, सर्व गुणों को धारण करने में कह रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने सब कुछ छुड़वा देंगे तो हम फिर ब्राह्मण करेंगे क्या? थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ने लगी और गहराई से पढ़ा मुरली को तो एक शब्द आया, लेकिन। लेकिन शब्द ने बड़ा सावधान कर दिया। बाप दादा ने उसमें कहा कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन सिर्फ 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 एक ही पुरुषार्थ करो, दुआएं दो, दुआएं लो। तो साथ साथ बाप दादा के कहने के अनुसार जे पता चला कि बाप दादा कुछ भी छुड़वा नहीं रहे, लेकिन और कुछ बड़ा करने के लिए कह रहे हैं कि बाकी सब छोड़ दो लेकिन बीज को पकड़ो। तो बाप दादा ने फिर से वही बात रिपीट की कि बच्चों दुआएं दो, दुआएं लो। तो बाप दादा ने इसके लिए बड़ा सहज पुरुषार्थ बताया कि अमृत वेले से रात तक आप अपने आप को चेक करो कि इस पुरुषार्थ में मेहनत लगी या सहज हुआ। बाप दादा ने एक बहुत सुंदर फॉर्मूला दिया, चेक एंड चेंज, कि रात्रि को चेक करो कि दुआएं दी, दुआएं ली, फिर उसको कुछ कमी रह गई तो उसको चेंज भी करो, तो आनंद का लेवल बढ़ता गया। बाप दादा ने यहाँ तक कहा कि कोई आपको दुख भी दे, कोई आपकी इंसल्ट करे, कोई आपको गाली दे, तो भी आप उसको दुआएं दो, दुआएं लो। इस पुरुषार्थ को सहज करने के लिए ही दुआओं के महायज्ञ की स्थापना की गई। तो मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहूंगी जो इसके पार्टिसिपेंट हैं, सबको दुआएं देते हैं, लेते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं भी कर पा रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो एक पल भी ना गवाएं, अभी से सबको दुआएं दें, दुआएं लें, ताकि इसको अवतरित हुए धरा पर परमात्मा का एक उपहार माने और इसको सभी को दुआएं देते जाएं, दुआएं लेते जाएं। तो पिछली हमने भक्ति मार्ग में जो कहानियां सुनी थी कि पंछियों को दाना डालना, साधुओं को भिक्षा देना, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना, हमारे पूर्वज हमें ये पुण्य कर्म सिखला करके गए कि किसी जरूरतमंद को अपने दो पल दे देना, ये भी उन्होंने सिखाया। उन
उनके पास ये संपूर्ण ज्ञान तो नहीं था, लेकिन ये पुरुषार्थ करने से, किसी की दुआएं लेने से हमारे अंदर दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां स्वतः आ जाती हैं। इसलिए फिर से पुण्य मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी बाप दादा की ओर से ये गिफ्ट है, दुआएं दे, दुआएं ले। ओम शांति, ओम शांति। दुआओं के इस यज्ञ से जुड़कर आप यज्ञ को तो सफल करेंगे ही, साथ ही संपूर्ण विश्व के ब्राह्मण परिवार को सहयोग देकर बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने में भी मददगार जरूर बनेंगे। शिव पिता की सर्व संतान आत्माओं को बलशाली और सफल बनाने के इस महान यज्ञ में अपनी आहुति जरूर जरूर डालें।